ले जाने में। और अभी जो मैडम ने बोला कि एक आईजी पार्क में एक क्या बोलता है गाड़ी का पार्किंग लोट बनाएगा, मैडम आपसे मेरा अपील है, ये आपका इंदिरा गांधी पार्क में आप लोग और इंदिरा गांधी पार्क को बर्बादी करने का कोशिश नहीं करने से ठीक है, क्योंकि मैं सामने सामने बोल दे रहा हूं, अगर आप वहां आप कितना भी डेवलपमेंट करना है करो, लेकिन एक पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि वो पेड़ बहुत मेहनत करके लगाया, क्योंकि ये एक ही पार्क है ईटानगर में, बुरा आदमी लोग का, जवान आदमी लोग का, सुबह में वॉकिंग करने के लिए, शाम में वॉकिंग करने के लिए, एक हो जो है हरा भरा पेड़ पौधों हुआ है, हमारा शुद्ध हवा वहां से मिलता है, उसको इसका बात हम तो बोलता है कहीं एक पेड़ कटेगा, हम आज बोलता हूं चाहे हम सरकार का साथ में क्यों ना लड़ने पड़े, क्यों ना हम गवर्नर का साथ में क्यों ना लड़ने पड़े, मैं लड़ लूंगा, क्योंकि और हम पेड़ गिराने नहीं देगा वहां, अगर जिस दिन अगर नहीं मान के एक पेड़ दो पेड़ अगर जबरदस्ती गिरा देगा, हम इतना मतलब पार्क का जो पेड़ है दो घंटा में सफा कर दिया। मेरा अगर बात आज हम ऐलान मतलब एकदम मन है, बहुत दुख लगा है, ऐसे मत करो बोलने से उल्टा वार्निंग देता है, आज हम बोल रहे हैं ओपन में, एकदम ओपन चैलेंज का टाइप में हम आज बोल रहा हूं, अगर आज का बात वहां का अगर पेड़ पौधों अगर गिरा देगा, हम रिक्वेस्ट करता हूं मत करो, ये चीज अच्छा नहीं है, और सकने से हम लोग और वहां दो पेड़ 10 पेड़ लगाने का कोशिश करेगा वहां, और बर्बादी नहीं करने से ठीक है। और बाकी और अरुणाचल सरकार से हम आज से नहीं बोला, बहुत पहले से, क्योंकि हम एक समय पार्लियामेंट सेक्रेटरी था अभी लेंद का, उस समय में हमने प्रपोजल दिया था, अगर सरकार अगर हमें यहां का जो गवर्नमेंट इंप्लॉय का जो क्वार्टर बनाने के लिए कम से कम 5 साल के लिए आप एक दो मतलब 1200 करोड़ आप राख दीजिए, हम ऐसे ऐसे एक कॉलोनी को बाउंड्री वॉल भी एकदम परफेक्ट बनाएगा, G+4 बिल्डिंग बना के देगा, ईटानगर में इतना जमीन सरकार के लिए जमीन निकल आएगा, वो जो है आप मतलब खत्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं करके आज जो है होच पोच जहां तहां मतलब बिल्डिंग इंक्रोचमेंट, तो इसीलिए हम लोग का जमीन कम है बोल के देखता है, जमीन बहुत है ईटानगर में, पैसा कम है, क्योंकि बिल्डिंग का अगर सरकार का अगर बिल्डिंग बनाने के लिए जो गवर्नमेंट इंप्लॉय का अगर टाइप 2 टाइप 3 अगर बिल्डिंग को अगर G+4 बनाएगा, पूरा नाहरलगुन टाउन जो है एक दो कॉलोनी में खत्म हो जाएगा, और ईटानगर का भी एक दो कॉलोनी में खत्म हो जाएगा, बाकी हमारा इतना जमीन निकल आएगा तारक पार्किंग के लिए निकल आएगा, बच्चा लोग का खेल कूदने के लिए जमीन निकल आएगा, और बाकी ऑफिस बनाने के लिए भी जमीन निकल आएगा, आपका ऑटो पार्किंग के लिए जमीन निकल आएगा, मतलब काफी जमीन निकल आएगा। आपको 2 घंटा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक गाछी भी नहीं गिराएंगे वहां पे, क्योंकि हमारा जो पार्किंग लॉट है वो इंद्रगिरी पार्क का अंदर में नहीं बल्कि आउटस्कर्ट में है, बाहर में है, तो एक गाछी भी गिरने, और लेकिन आप जिस दिन गिराएगा हम फिर आधा घंटा भी गिरा देगा।